हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पीएम मामास किचन में। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ड्रमस्टिक और आलू की सब्ज़ी, वो भी मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं उससे। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और दाल चावल के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सब्ज़ी को खाया भी होगा, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो सरसों के दाने हैं, जो मस्टर्ड सीड्स हैं, वो लिए हैं। यहाँ पे मैंने येलो वाले लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, काले वाले मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, और इसे आप भिगो के भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने इसे भिगो के नहीं रखा था, इसे हम पहले पीसेंगे। यहाँ पे मैंने 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1/2 इंच मैं यहाँ पे अदरक लूँगी। सारी चीज़ों को हम एक मिक्सर में डाल के इसे पीस लेंगे, ठीक है। तो आप इसे भिगो के भी रख सकते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन मैंने इसे भिगो के नहीं रखा था। दूसरी ओर मैंने एक बड़ा साइज़ का आलू जो है उसे कट करके रखा है, और कुछ मैंने यहाँ पे ड्रमस्टिक जो है उनको भी काट के छील के रखा है। सारी चीज़ें वॉश करके रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक पैन जो है पैन गरम किया है, इसमें देंगे हम सरसों का तेल। जैसे ही सरसों का तेल गरम हुआ, इसमें देंगे जीरा, मेथी, और जैसे ही थोड़ा सा भुन गया, फिर मैंने इसमें ये ड्रमस्टिक और आलू जो है इनको फ्राई कर लिया 2 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे हम देंगे पिसा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3-4 हरी मिर्च जो है उनको एक साथ पीस लिया था मिक्सर में, और इन चीज़ों को भी हम 2 मिनट के लिए यहाँ पे भून लेंगे। फिर हम इसमें देंगे पिसा हुआ अदरक, लहसुन, और जो हमने सरसों के दाने पीस के रखे थे वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, और इन सारी चीज़ों को भी हम 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे भून लेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ड्रमस्टिक और आलू जो है उनको पहले से ही फ्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो मसाले हैं, टमाटर और सरसों का जो दाने हैं, अदरक लहसुन हैं, इन सारे चीज़ों का जो हमने पीस के रखा है, इनको आप पहले फ्राई करो, ठीक है, 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद आप आलू और जो ड्रमस्टिक जो फ्राई करके रखोगे ना, उनको आप इसमें ऐड करके फ्राई कर सकते हो। तो 2 तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो जैसे ही मसाले जो हैं भुन गए, उसके बाद हमने इसमें दिया पाउडर मसाला। जो नॉर्मली हम घर में खाते हैं वही सारे पाउडर मसाले हैं ये। तो पाउडर मसालों में मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एज पर टेस्ट, और नमक दिया है। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए पकाया था। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें देंगे हम पानी, ताकि ये जो सब्जियां हैं आलू और ड्रमस्टिक अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं, ठीक है। फिर हम इसे कवर करके पकाएंगे जब तक ये सब्जियां पक नहीं जाती है। 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इसे पकने में, फिर हम इसे चेक करेंगे। तो करीबन 5-10 मिनट बाद हम देख सकते हैं हमारी जो सब्जियां ये पक चुकी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ग्रेवी रख सकते हो, लेकिन इसका जो ग्रेवी है ज़्यादा थिक भी ना रखें, ज़्यादा पतला भी ना रखें, क्योंकि ये जब ठंडा होता है ना तो ये और ज़्यादा सूख जाता है, और ज़्यादा पतला हो तो टेस्टी नहीं लगता है। तो इस तरह से हमारी जो सब्ज़ी है बनके रेडी हो गई है। मैं इसे सर्व करूँगी राइस के साथ, और साथ में दाल भी बना था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।